ई रिक्शा पर सवार होकर रौला काटते हुए चुनाव प्रचार कर रहे ये हैं मेरठ से सपा विधायक अतुल प्रधान, जिन्हें निकाय चुनाव में आतिशी चुनावी रैली करना भारी पड़ गया। दरअसल शुक्रवार शाम मेरठ के सरधना से सपा विधायक अतुल प्रधान अपनी पत्नी सीमा प्रधान, जो कि मेरठ से महापौर प्रत्याशी हैं, उनका चुनाव प्रचार पूरे गाजे बाजे के साथ कर रहे थे। अतुल प्रधान के चुनाव प्रचार में कार्यकर्ताओं का हुजूम लगा हुआ था, डीजे से लेकर आतिशबाजी सभी लाव लश्कर के साथ चुनाव प्रचार चल रहा था। अतुल प्रधान के चुनाव प्रचार से रोड पर जाम लग चुका था कि इस बीच किसी राहगीर ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने जाम में फंसे लोगों को वहां से निकाल कर अतुल प्रधान और उनके समर्थकों पर आचार संहिता का उल्लंघन करने का मुकदमा दर्ज कर लिया। सर, एक रोड शो निकाला गया है, किसने रोड शो निकाला और आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की गई? कल दिनांक 5 मई को सपा प्रत्याशी का एक रोड शो कंकरखेड़ा क्षेत्र में निकाला गया। रोड शो के दौरान यातायात मार्ग को अवरुद्ध किया गया, जिससे आम लोगों को परेशानी हुई। इसके अलावा बीच सड़क पर आतिशबाजी की गई, जिससे खुले में आचार संहिता का उल्लंघन हुआ। इस संबंध में रोड शो को लीड कर रहे सपा विधायक अतुल प्रधान और उनके समर्थकों के खिलाफ आचार संहिता का मुकदमा थाना कंकरखेड़ा पर दर्ज किया गया है। बहरहाल विधायक जी को पत्नी के लिए चुनाव प्रचार करना भारी पड़ गया है। अब देखना होगा कि विधायक जी की ये प्रचार उनकी पत्नी के लिए कितना काम आता है और जनता उनके इस आतिशी प्रचार से कितना प्रभावित होती है। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरठ से उस्मान चौधरी की रिपोर्ट, यूपी तक।